करते हैं आज बिजनेस लॉ के यूनिट टू का लास्ट टॉपिक करना हम लोगों ने अनपेड सैलरी, ठीक है? क्या स्क्रीन विजिबल आपको? जी मैम। ओके, व्हाट इज अ सेलर? एक्चुअली हु इज सेलर? सेलर जो सामान देता है मैम। बिल्कुल, जो सामान बेच रहा है, वो हमारा सेलर होता है। और अनपेड सेलर किसे बोलते हैं? अनपेड सेलर उसे बोला जाता है जिसके प्राइस की पूरी पेमेंट नहीं की गई, ठीक है? अगर मैं एक सेलर हूँ, मैंने किसी चीज को बेचा है, कोई प्रोडक्ट बेचा है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल बेची है मैंने कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जूस की बॉटल सेल की है, ठीक है? और वो जूस की बॉटल के लिए जितना प्राइस था वो था 50 रुपीज, और मुझे वो 50 रुपीज अगर पूरे नहीं मिले हैं तो मुझे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है? अनपेड सेलर जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 45 में लिखा गया है। सेक्शन 45 डिस्कस अबाउट द अनपेड सेलर। अब अ सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर, कब बोला जाएगा उसे एक अनपेड सेलर? पहला, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, ठीक है, जब उसे पूरी पेमेंट नहीं दी गई है। सेकेंड पॉइंट, उसे अनपेड सेलर कब बोला जाएगा? When the negotiable instruments has been received as a conditional payment, जब जो negotiable instruments हैं, बहुत सारे different type of negotiable instruments होते हैं जो हम next unit में discuss करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि कई बार हम लोग contract करने के लिए आपस में कुछ instruments का use करते हैं, वो negotiable instruments हैं, ठीक है? तो जब negotiable instruments की condition payment जो है वो पूरी नहीं की गई है और उसकी कंडीशन को तोड़ा गया है, तब भी एक सेलर को अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करें तो अब कंडीशंस की बात आती है। इसमें कुछ कंडीशंस डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट पॉइंट, द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर, ठीक है? किसी को सेलर कब बोला जाएगा? जब वो एक सेलर की पोजिशन पे है, जब उसने किसी चीज को सेल किया है, या फिर वो एक सेलर का एजेंट है। अगर किसी सेलर का कोई एजेंट भी है तब भी उसे एक सेलर बोला जा सकता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट, द सेलर शैल बी अ सेलर शैल बी कॉल्ड एन अनपेड सेलर इवन इफ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्राइस रिमेन्स टू बी अनपेड। एक सेलर को अनपेड सेलर तब भी बोला जाएगा चाहे सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही रह गया है उसकी पेमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, वो जूस की बॉटल 50 रुपीज की थी और मुझे बायर ने 49 रुपीज पे कर दिए हैं, सिर्फ 1 रुपया पेमेंट रह गई है, तब भी मुझे एक अनपेड सेलर ही बोला जाएगा चाहे वो सिर्फ 1 रुपया बाकी है, ठीक है? इट इज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस एंड नॉट फॉर अदर एक्सपेंसेस। एक अनपेड सेलर को तभी एक अनपेड सेलर बोला जाएगा जब ये बात प्राइस की हो रही हो, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड की हो रही हो। अगर एक्सपेंसेस की बात हो रही है तब उसे एक अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स की पेमेंट के टाइम पे ही उसे अनपेड सेलर बोला जाएगा। फोर्थ पॉइंट, वेयर द फुल प्राइस हैज बीन टेंडर्ड बाय द बायर एंड द सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, द सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर। अगर बायर ने सेलर को पैसे देने की कोशिश की और सेलर ने ही पैसे लेने से मना कर दिया, तब उसे एक अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे सेल कौन सी होती है? जब आपने किसी को कर्जे पे कुछ बेचा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे पास, मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरे पास कोई एक ए नाम का पर्सन मुझसे कुछ खरीदने के लिए आया। फॉर एग्जाम्पल, वही जूस की बॉटल खरीदने के लिए आया, उसने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 7 डेज के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे बहुत जरूरत है इस टाइम पे, आप प्लीज मुझे दे दीजिए। तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने उसे बिना पैसे के वो बॉटल दे दी और उसके अश्योरेंस के ऊपर दी कि वो मुझे 7 दिन के बाद पेमेंट कर देगा। तो इसे बोलते हैं सेल ऑन क्रेडिट, जब पैसे के ऊपर पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, अभी पैसा नहीं दिया गया प्रोडक्ट के लिए। तो जहां पर क्रेडिट ऑन सेल की बात आती है वहां पे भी 2 कंडीशंस है। इफ ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड सेलर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर जो सेलर है, यानी अगर मैं बेचने वाली हूँ, मैं दिवालिया हो जाती हूँ, यानी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, तब मुझे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा।
और दूसरी बात, ऑन द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड इफ द प्राइस रिमेन्स अनपेड, अगर वो 7 दिन खत्म होने के बाद भी मुझे वो पेमेंट नहीं की गई है तब भी मुझे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। क्रेडिट ऑन सेल के टाइम पे दो कंडीशंस है, पहला अगर मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं यानी मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं दिवालिया हो जाऊं, दूसरी बात अगर वो 7 दिन का टाइम खत्म होने के बाद भी बायर ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं तब मुझे अनपेड सेलर बोला जाएगा। अब आती है बात राइट ऑफ अनपेड सेलर की, यानी जो अनपेड सेलर है जिसे उसके प्रोडक्ट का पूरा प्राइस पे नहीं किया गया उसके क्या क्या राइट्स है। तो इसके राइट्स जो है वो दो तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। पहला, एक सेलर का राइट आता है उसके गुड्स के खिलाफ, यानी जो गुड्स है जिसके जिसमें वो डील कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल हम जूस की बॉटल सेल कर रहे थे तो वो जूस की बॉटल के लिए मेरे क्या राइट्स है, ठीक है। अगर मैं एक अनपेड सेलर हूँ तो मेरे जूस की बॉटल के लिए क्या राइट्स है। वेट कर लेते हैं, रिंगो ने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेंगे। रिंगो, am I audible to you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Rinku. कैसे हो? Ma'am, I'm very good. चलो, great. Okay, आज हम लोग अपने business law का last topic खत्म कर रहे हैं, second unit का unpaid seller, ठीक है? Unpaid seller जो है, वो section 45 के अंदर discuss किया जाता है। आप इसको note down करो, section 45, then मैं समझाती हूँ who is unpaid seller. नोट डाउन हो गया? ठीक है। एक सेलर को अनपेड सेलर कब बोला जाएगा? व्हेन, जब उसे उसके प्रोडक्ट की पूरी पेमेंट नहीं की गई है, यानी अगर कोई एक सेलर है ए नाम का, वो कोई चॉकलेट्स बेच रहा है, तो अगर उसे उसकी चॉकलेट्स का पूरा पेमेंट नहीं किया गया है, हाफ पार्शियली पेमेंट किया गया है या फिर कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया, तब उसे एक अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। एक सेलर को अनपेड सेलर सिर्फ दो कंडीशंस में बोला जाता है। पहला, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, जब उसे पूरा प्राइस पेमेंट नहीं हुआ है, जब तक उसे उसके प्रोडक्ट के पैसे नहीं मिले हैं। दूसरी बात कब बोला जाएगा, जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है और उसकी कंडीशन पेमेंट को पूरा नहीं किया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, ये पूरी एक यूनिट है, थर्ड यूनिट आपकी, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं डील करने के लिए, उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को की कंडीशन पेमेंट को अगर पूरा नहीं किया गया है तब भी एक सेलर को अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशंस। कंडीशंस की बात की जाए, पहले सेलर की बात की गई है, किस किस को सेलर बोला जा सकता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये चीज लिखी है कि एक सेलर वो पर्सन होगा जो एक सेलर की पोजीशन पे है, यानी उसने कोई सामान सेल किया है। दूसरा किसे सेलर बोला जाएगा, अगर कोई एक पर्सन है वो सेलर का एजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने आगे एक एजेंट रखा हुआ है मेरी शॉप का सामान सेल करने के लिए, तो अगर एजेंट को भी पैसे नहीं दिए जाते हैं, यानी एजेंट ने जिसे सेल किया उसने एजेंट को पैसे नहीं दिए, तो एजेंट मुझे भी एज अ शॉपकीपर कुछ नहीं दे सकता, तो एजेंट को भी अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ सेलर शैल बी कॉल्ड अ अनपेड सेलर इवन व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्राइस रिमेन्स टू अनपेड, अगर जो सेलर है उसका छोटा सा भी अमाउंट बाकी है, बिल्कुल छोटा माइन्यूट सा, तब भी उसे एक अनपेड सेलर ही बोला जाएगा। यानी अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपीस का था और सेलर को 49 रुपीस बायर ने पे कर दिए हैं, 1 रुपया बाकी है पेमेंट का, तब भी उसे एक अनपेड सेलर ही बोला जाएगा, चाहे अमाउंट बहुत छोटी भी क्यों ना हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस, सिर्फ अगर प्राइस पेमेंट की बात हो रही है और प्राइस पेमेंट नहीं हुआ है पूरा, तब भी एक पर्सन को अनपेड सेलर बोला जाएगा। एक्सपेंसेस या बाकी के कोई खर्चे से रिलेटेड कोई भी बात हो रही हो, तब उसको अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा, सिर्फ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ही उसे अनपेड सेलर डिक्लेयर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, वेयर द फुल प्राइस हैज बीन टेंडर्ड बाय द बायर एंड सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, द सेलर कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर। अगर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बायर ने देने की कोशिश की और सेलर ही उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे, तो उस टाइम पे सेलर को अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा।
क्योंकि बायर ने अपनी साइड से पेमेंट करने की कोशिश की बट सेलर ने एक्सेप्ट कर दी, एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये सेलर की गलती है, बायर ने अपनी साइड से देने की कोशिश की थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे अनपेड सेलर नहीं बोला जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर्स द गुड्स आर, गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. क्रेडिट जानते हो, सेल ऑन क्रेडिट क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रही हूँ. What is a sale on credit? नहीं? Okay. Sale on credit क्या होती है? जब आपने किसी को कर्जे पे कोई सामान बेचा है, ठीक है? यानी for example, कोई person मेरे पास, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास कोई A नाम का person जूस की बॉटल खरीदने के लिए आया है, उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उन्हें ये जूस की बॉटल की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको एक वीक में पेमेंट कर दूंगा. तो मैंने एज अ सेलर उसे दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप ले जाइए बट मुझे 7 days के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिएगा, या फिर 7 days जब एक हफ्ता हो जाएगा तब पेमेंट कर देना. तो सेल ऑन क्रेडिट के ऊपर भी दो कंडीशंस लागू होती हैं. कब एक सेलर को अनपेड सेलर बोला जाएगा? अगर सेल ऑन क्रेडिट हुआ है. ऊपर जो कंडीशन पड़ी थी वो थी सेल ऑन प्राइस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे सेल ऑन क्रेडिट हो रहा है, कर्जे के ऊपर कुछ सामान बेचा जा रहा है. तो पहली कंडीशन है इसकी, If during the credit period, यानी वो जो एक हफ्ते का पीरियड हम एग्जाम्पल में लेके चल रहे थे कि एक हफ्ते के बाद में बायर सेलर को पेमेंट कर देगा, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी दिवालिया हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं, तो उस टाइम पे उसे एक अनपेड सेलर डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि अब सेलर के पास बाकी कोई पैसे बचे ही नहीं है, उसका सिर्फ इकलौता सहारा वो एक पेमेंट है जो वो जूस की बॉटल की उसकी बाकी है अभी, ठीक है. और दूसरी बात, उसे अनपेड सेलर कब बोला जाएगा? जब उसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, यानी वो जो एक हफ्ते का टाइम दिया गया था वो एक हफ्ते का टाइम खत्म हो गया है, स्टिल बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं की है, तब भी सेलर को अनपेड सेलर डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है. अब हम कर रहे थे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर. व्हाट आर द राइट्स? एक अनपेड सेलर के हक क्या है? अब उसके हक दो चीजों के अगेंस्ट में होंगे. पहला उसका हक होगा अपने गुड्स को लेकर, दूसरा उसका हक होगा बायर के अगेंस्ट, ठीक है. जो प्रोडक्ट जिसमें वो डील कर रहा था उसको लेकर उसके क्या राइट्स है, और जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहा था उसको लेकर उसके क्या राइट्स है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. पहले अगेंस्ट द गुड्स पढ़ते हैं कि गुड्स के टाइम पे जब गुड्स के अगेंस्ट जो सेलर है, अनपेड सेलर है, उसके क्या क्या राइट्स है. इसमें दो कंडीशंस आएंगी. व्हाइट बोर्ड विजिबल है? रोल नंबर 10, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है. रोल नंबर 10, थैंक यू. ओके, अब गुड्स के अगेंस्ट में, जब हमारे पास गुड्स के अगेंस्ट में राइट की बात आती है तो दो तरीके की कंडीशंस आती है. पहली कंडीशन, जब सेलर ने गुड्स बायर को ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी मैं एक शॉपकीपर हूँ, ये शॉप है और यहां पर एक सेलर आया, यहाँ पे एक बायर आया, उसने मुझसे कुछ खरीदा और मैंने उसे प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है. अब जो प्रोडक्ट है वो बायर के पास है. दूसरी कंडीशन क्या होगी? अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, प्रोडक्ट जो है वो सेलर के पास ही है, अभी सेलर ने बायर को प्रोडक्ट ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है. तो दो कंडीशंस में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं. पहला, जब गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, दूसरा, जब गुड्स ट्रांसफर अभी नहीं हुए, ठीक है. फर्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, जब गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, जब गुड्स सेलर को ट्रांसफर हो गए हैं, तब जो जब गुड्स बायर को ट्रांसफर हो गए हैं तो सेलर के पास तीन तरीके के राइट्स आते हैं. पहला, राइट ऑफ लेन, दूसरा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा, राइट ऑफ रीसेल. आप इन तीनों को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं समझाती हूँ तीनों क्या है.
नोट डाउन हो गया बच्चे? यस मैम. ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. पहला है राइट टू लेन. राइट टू लेन के लिए दो सेक्शंस यूज होते हैं, सेक्शन 47 और सेक्शन 49. व्हाट इज राइट ऑफ लेन? राइट ऑफ लेन का मतलब है जब जब अनपेड सेलर की कंडीशन आती है, यानी एक सेलर को अनपेड सेलर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो पहला हक उसके पास आता है राइट ऑफ लेन, जिसका मतलब होता है कि वो गुड्स को अपने पोजेशन में ले ले जब तक कि फुल पेमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार सेलर हूँ और किसी पर्सन ने मुझसे कार खरीदी है. उसने मेरे को कार जो है वो 1 लाख की थी, उसने मुझे 75,000 पेमेंट कर दिया है और बाकी का पेमेंट करना भी बाकी है. तो मैं क्या करूंगी, राइट ऑफ लेन के अकॉर्डिंग सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 मुझे राइट देता है कि मैं एज अ अनपेड सेलर जाकर कार को अपने पोजेशन में ले लूं, यानी कार अपने पास वापस ले आऊं, और जब तक वो बाकी की पेमेंट बायर मुझे नहीं करता तब तक मैं उसे कार नहीं दूं. ठीक है, समझ आए राइट ऑफ लेन? यस मैम. ओके, राइट ऑफ लेन मींस द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द फुल पेमेंट इज रिसीव्ड. ठीक है, अब है सर्कमस्टांसेस अंडर द राइट ऑफ लेन कैन बी एक्सरसाइज्ड, यानी किस किस कंडीशन में राइट ऑफ लेन यूज किया जाता है. पहला, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू क्रेडिट, यानी जो गुड्स क्रेडिट पे नहीं सेल किए गए हैं, जो गुड्स हैं वो किस पे सेल किए गए, प्राइस मनी के अगेंस्ट सेल किए गए हैं. और ये एक सिंपल कंडीशन है कि प्राइस मनी के अगेंस्ट गुड्स सेल कर दिए तो वहां पर राइट ऑफ लेन का हक अनपेड सेलर के पास होता है. दूसरा, where the goods have been sold on credit, ठीक है, but the term of credit has been expired. Goods जो है वो credit पे sale किए गए, पर उसका जो time period है credit का वो खत्म हो गया है, तो उस time पे भी मेरे पास right of lien होता है. Third, where the buyer become insolvent, जहाँ पर जो buyer है वो दिवालिया हो गया, यानी अब buyer के पास payment करने के लिए पैसे नहीं है, तब भी मुझे एक unpaid seller बोला जाएगा और मेरे पास right of lien होगा उस time पे. ठीक है, अब इसके अलावा आप लिखिए सेक्शन 49. सेक्शन 49 में आता है, इसके अंदर ये मिसिंग है, मैं इसलिए आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ. सेक्शन 49 मुझे क्या बोलता है? सेक्शन 49 मेरे पास राइट देता है टर्मिनेशन का. टर्मिनेशन यानी खत्म करने का राइट ऑफ लेन को. किस किस कंडीशन में राइट ऑफ लेन को मैं खत्म कर सकती हूँ? टर्मिनेशन हमारा आता है सेक्शन 49. अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है. पहला पॉइंट है बाय वेवर. बाय वेवर, डब्ल्यू ए आई वी ई आर. वेवर क्या होता है? वेवर होता है वेव करना, किसी चीज को हटा देना. ठीक है, वेवर की कंडीशन में क्या होगा, अगर सेलर ने अपनी मर्जी से राइट ऑफ लेन लेने को मना कर दिया है तब राइट ऑफ लेन को खत्म किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेलर हूँ, मैंने 50 रुपए की जूस की बॉटल बेची और जो बायर था उसने मेरे को 49 पेमेंट कर दिया, 1 रुपए उसके पास अभी नहीं है, तो बींग अ सेलर मैंने उसे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इस बॉटल को 49 रुपीज में ले जाइए, वो 1 रुपया मैं छोड़ देती हूँ. तो मैंने वेव कर दिया, तो इसलिए राइट ऑफ लेन जो है वो खत्म हो गया. क्लियर हुआ राइट ऑफ बाय वेवर, टर्मिनेशन बाय वेवर? ठीक है, नेक्स्ट इज बाय पेमेंट ऑफ प्राइस. बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, मेरे को नोट डाउन करने में टाइम लगेगा, आप ऐसे ही लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ. बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, बाय पेमेंट ऑफ प्राइस, अगर हमारा प्राइस जो है वो फुली पेमेंट बायर कर देता है तब भी राइट ऑफ लेन जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तब भी राइट ऑफ लेन टर्मिनेट हो जाएगा अगर बायर ने पूरे पैसे दे दिए. ठीक है, ये दोनों हमारी थी कंडीशन जहां पे हम राइट ऑफ लेन को टर्मिनेट कर सकते. अब राइट ऑफ लेन हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट.
राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट सेक्शन 50 और 52. नोट डाउन करिए तब मैं समझाती हूँ. व्हाट आर गुड्स इन ट्रांजिट, किन गुड्स को गुड्स इन ट्रांजिट बोला जाता है. दो तरीके की कंडीशंस होती हैं. पहला, जब गुड्स को डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया गया है सेलर को. दूसरे तरीके की कंडीशन है जहां पर गुड्स ना तो सेलर के पास है और ना ही बायर के पास है. ऐसी कंडीशन को बोला जाता है गुड्स इन ट्रांजिट. कैसे होगा ऐसा, जब फॉर एग्जाम्पल एक जो है वो शॉप जो है वो पंजाब में है, ठीक है, और जो बायर है वो हमारा फॉर से केरला में, ठीक है, बायर इज इन केरला और सेलर जो है वो पंजाब में है. बायर ने सेलर से कुछ खरीदा, तो अब जो सेलर है वो बायर के पास चीजें भेज देगा. अब पंजाब से केरला तक जाने के लिए बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो सेलर ने क्या किया होगा, किसी ट्रक में लोड किया होगा इस चीज को, इन गुड्स को ट्रक में लोड किया और शॉप से भेज दिया. अब जब तक ये गुड्स जो हैं यहाँ से निकल चुके हैं, सेलर की साइड से पंजाब से निकल चुके हैं और अभी केरला नहीं पहुंचे हैं, तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर उन गुड्स को गुड्स इन ट्रांजिट बोला जाएगा, ठीक है. जब तक वो बायर तक नहीं पहुंचे हैं और सेलर की साइड से जा चुके हैं तो उन गुड्स को गुड्स इन ट्रांजिट बोला जाता है. क्लियर हुआ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब? यस मैम. ठीक है, अगर आपके गुड्स इन ट्रांजिट हैं और आप एक अनपेड सेलर हो तो आपके पास सेक्शन 50 और 52 ये राइट देता है कि आप उन गुड्स को गुड्स इन ट्रांजिट में ही रोक दो, यानी रास्ते में ही उन गुड्स को रोक के वापस अपने पास मंगवा लो जब तक कि आपकी पेमेंट पूरी नहीं होती है, बीइंग अ अनपेड सेलर. ठीक है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स the right of stopping the goods while they are in transit to regain possession and to retain them till the full price is paid. ठीक है, ये एक ऐसा right है जो unpaid seller के पास होता है, जिसमें वो goods को रास्ते में रोक के अपने पास वापस मंगवा के अपने पास रख सकता है जब तक कि उसकी पूरी payment जो है वो नहीं की गई है. अब कौन सी ऐसी conditions हैं जिनमें right of transit use किया जा सकता है. पहला, seller must have parted with the possession of goods and the goods must not be in the possession of seller. ठीक है, जहां पर जो है goods ना buyer के पास पहुंचे हैं ना seller के पास पहुंचे हैं, ऐसी condition में right of stoppage in transit use होता है. Next is goods must be in course of transit, यानी goods transit में होने चाहिए, रस्ते में होने चाहिए, अभी buyer के पास पहुंचे नहीं होने चाहिए. और तीसरी चीज, buyer must have become insolvent, यानी जो buyer है वो दिवालिया हो गया होना चाहिए, buyer के पास पैसे नहीं होने चाहिए पेमेंट के लिए, उस टाइम पे आप goods in transit का right यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम. देन थर्ड हमारा टाइप है हमारा राइट ऑफ रीसेल सेक्शन 54. राइट ऑफ रीसेल. ओके, व्हाट इज रीसेल, कुछ आइडिया है? रीसेल क्या होता है? यस मैम. ओके, एक तो होता है सेल, जब हमने फर्स्ट टाइम सेल किया, ठीक है. रीसेल क्या होता है, जब हमने बेचे हुए गुड्स को ही दोबारा बेचा है किसी को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीसेल. फॉर एग्जांपल, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास कोई पर्सन आया था एक जूस बॉटल खरीदने के लिए, जूस बॉटल नहीं, फॉर से एक फोन खरीदने के लिए. अब उसने मेरे को 50,000 के फोन के लिए 45,000 पेमेंट कर दी थी, बाकी के वो पेमेंट करने को तैयार नहीं था. तो मैंने क्या किया, उसको उसके पैसे वापस किए, जितना मेरा डैमेज हुआ था मैंने अपने पास रख के बाकी के थोड़े बहुत पैसे उसे वापस कर दिए और फोन भी वापस ले लिया और उस फोन को किसी और को सेल कर दिया. दैट इज अ रीसेल. ठीक है, अब राइट ऑफ रीसेल भी जो है वो अनपेड सेलर को देता है सेक्शन 54.
unpaid seller can resell the goods under the circumstances, under the following circumstances. किस किस कंडीशन में राइट ऑफ रीसेल यूज किया जाता है? पहला, वेयर द गुड्स आर ऑफ अ पेरिशेबल नेचर. जब गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, यानी गुड्स ऐसे हैं जो खराब नहीं हुए हैं, ठीक है? जैसे मैंने फोन की बात की, अब मैं चॉकलेट्स की बात क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि अगर किसी ने मुझसे चॉकलेट खरीदी है, वो एट अ टाइम रैपर खोल लेगा, ठीक है? और जब एक चॉकलेट का रैपर खुल चुका है तो मैं उसको रीसेल नहीं कर सकती, उसको मैं वापस ले भी लूंगी तब भी कोई उस खुले हुए रैपर की चॉकलेट को खरीदेगा ही नहीं, ठीक है? तो गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसकी अगर पैकिंग खुल जाए तो वो खराब हो जाए, ठीक है? सेकेंड इज, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल इफ द बायर कमिटेड डिफॉल्टिंग मेकिंग पेमेंट. कहाँ पे रीसेल हो सकता है? जहां पर सेलर ने गुड्स को वापस से अपने पोजेशन में ले लिया है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की वजह से, वहां पे आप रीसेल का राइट यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, मैं एक सेलर हूँ, मैंने फोन बेचा था, उस पर्सन ने मुझे फोन की पेमेंट नहीं की, तो मैंने फोन वापस अपने पोजेशन में ले लिया. अब जब फोन मेरे पोजेशन में है, सेल होने के बाद मेरे पोजेशन में है, तो मेरे पास राइट ऑफ रीसेल आ जाता है, ठीक है? Third point is where the unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit gives a notice to buyer about his intention to resell. Buyer does not pay or tender within a reasonable time. किस जगह पे right of resell use होगा? जहाँ पे जो unpaid seller है, उसने right of lien use कर लिया, ठीक है? दूसरा, या फिर उसने right of stoppage in transit को use कर लिया, या फिर उसने सेलर को ये बात कन्वे कर दी थी कि अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो मैं गुड्स को जो है वो दोबारा रीसेल कर दूंगा, और उसके बावजूद बायर जो है वो पेमेंट नहीं करता, तो इस केस में राइट ऑफ रीसेल यूज हो सकता है. बीइंग अ सेलर, अगर मैंने राइट ऑफ लेन यूज कर लिया है, या फिर मैंने राइट ऑफ ट्रांजिट यूज कर लिया है, और उसके बावजूद मैंने जो बायर को ये बात बोली है कि अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करोगे तो मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगी, उसके बावजूद बायर पेमेंट नहीं देता, तो इस केस में मेरे पास राइट ऑफ रीसेल आता है, ठीक है? क्लियर हुआ ये? यस मैम. ओके, वेयर द गुड्स हैज नॉट बीन पास्ड टू द बायर. हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, पहला जब बायर जो गुड्स है वो बायर के पास जा चुके हैं, दूसरी कंडीशन जहां पे गुड्स जो है वो बायर के पास अभी नहीं दिए गए हैं. तो इसके लिए अलग तरीके की कंडीशंस यूज होती हैं. जब गुड्स बायर के पास नहीं गए हैं, तब हमारे पास तीन तरीके की कंडीशंस आती हैं: विदहोल्ड डिलीवरी, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा रीसेल. नोट डाउन कर लीजिए. I'm done. Okay.